सहारा इंडिया सेबी विवाद और निवेशकों के भुगतान का मामला किसी से छुपा नहीं है। इस मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के हस्तक्षेप के बावजूद भी अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है और ना ही निवेशकों को कोई खास राहत मिल पाई है। इस बीच जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उन्हें झटका लग सकता है। दरअसल जो लोग सहारा से अपना पैसा वसूलने के लिए लगातार कोर्ट ब्लॉक के चक्कर काट रहे हैं उन्हें इस खबर को सुनने से झटका लग सकता है। हालांकि यह बुरी खबर सभी सहारा निवेशकों के लिए नहीं है। बता दें कि सहारा ने 10 करोड़ रुपए का एक चेक जारी किया था। ये चेक छत्तीसगढ़ के राजनंदा गांव में बाउंस हो गया। इससे निवेशकों की मुसीबतें बढ़ गई। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले में संबंधित अधिकारियों के मुताबिक सहारा के चेक बाउंस के मामले में नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले कोतवाली 31 मई को सहारा के 4 डायरेक्टर को कोर्ट में पेश किया गया था। इन डायरेक्टर्स ने प्रशासन के खाते में 15 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की बात कही थी, लेकिन सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही खाते में आए। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि सहारा का दावा है कि इसने निवेशकों का पैसा सेबी को दे दिया है, लेकिन सेबी के मुताबिक 81,70,00,000 रुपए के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट और पासबुक से जुड़े 19,644 आवेदन दिए गए हैं। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लाखों निवेशकों से 19,400 करोड़ रुपए और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75,00,000 निवेशकों से 6,380 करोड़ रुपए जमा किए थे। सहारा से भी मामला सहारा इंडिया परिवार की 2 कंपनियों द्वारा जारी वैकल्पिक रूप से पूर्ण परिवर्तनीय डिवेंचर यानी OFCD जारी करने का मामला है, जिस पर सेबी ने अपने अधिकार क्षेत्र का दावा किया था और इस पर आपत्ति जताई थी कि सहारा ने इसकी अनुमति क्यों नहीं ली। इस मामले में बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं, जैसे कि 3 करोड़ व्यक्तियों से 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगस्त 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर जिन 2 कंपनियों का जिक्र किया गया है उन दोनों कंपनियों को सेबी के साथ निवेशकों का पैसा 3 महीने के अंदर लौटाने का आदेश दिया था। ये पैसा 15% ब्याज के साथ लौटाने को कहा गया था। इतना ही नहीं, सेबी को सभी OFCD धारकों की डिटेल देने को कहा गया था। फिर सहारा ने 127 ट्रकों को सेबी के ऑफिस भेजा जिनमें निवेशकों की जानकारी थी, पर ये निवेशकों की पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह रहा। सहारा ने सेबी को समय पर पैसा नहीं लौटाया। फिर सहारा इंडिया के बैंक अकाउंट और संपत्ति को फ्रीज करने का दौर शुरू हुआ। 26 जनवरी 2014 को सहारा ग्रुप के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया। नवंबर 2017 में ईडी ने सहारा ग्रुप पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चलाना शुरू किया। फिर पूरा सहारा ग्रुप कानूनी शिकंजे में आ गया।